हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये शाम का टाइम है और यहाँ देख रहे हैं ना, बेड में ब्लैंकेट कपड़ा इधर उधर फैला हुआ है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, वो बेड में ही ज़्यादातर अभी ठंडे के मौसम में खेलते रहते हैं। इसी वजह से ना कपड़ा इधर उधर, ब्लैंकेट इधर उधर हुआ है। तो मैं इसको अभी बेड को मैं ठीक कर दूंगी। पहले मैं ब्लैंकेट को अच्छे से समेट के रखती हूँ और यहाँ तकिया को भी थोड़ा मैं सीधा करके रखती हूँ, ताकि जो सामने नाम सोने में भी अच्छा लगता है। और बच्चे दोनों हैं ना, अब ठंडे के मौसम में ज़्यादातर ना बेड के ऊपर ही रहते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मेरा कपड़ा है और कपड़ा को मैं दोपहर का है, वो सूख चुका था, तो इसी वजह से मैं इसको ना समेट के रखी थी पहले ही। और समेट के रखने के बाद मैं इसको रख देती हूँ, रखने के बाद मैं थोड़ा बेड को झाड़ दूँगी। वैसे तो मैं अभी बेडशीट नहीं उठाऊँगी, ना गंदा हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत बालू था, बालू भी नहीं था। बच्चे दोनों ना खेलते खेलते इधर ज़मीन में चलते हैं, फिर बेड में आते हैं तो क्या होता है ना, थोड़ा बहुत धूला उला चढ़ जाता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा कपड़ा से ही यही कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी और तकिया को भी हटा के थोड़ा मैं उसको झाड़ देती हूँ। झाड़ने के बाद मैं ब्लैंकेट को भी उसी जगह रख दूँगी। हाँ, ठंडा का मौसम है ना, बच्चे दोनों मेरा बेड में ही ज़्यादातर रहते हैं। और यहाँ देखिए, मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है, अगर आप झाड़ू नहीं लगाइएगा ना तो अच्छा नहीं लगता है। और डेली मैं शाम को एक बार झाड़ू जरूर लगाती हूँ। और फिर बच्चे दोनों आएंगे, फिर पढ़ाई भी वो लोग यहीं पे करते हैं ना, तो इसीलिए मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। और देखो इतना ठंडा है ना, चप्पल पहन के रहना पड़ता है घर के अंदर में भी। और इधर दो दिन से मौसम भी बहुत ख़राब था ना, तो और ठंडी बढ़ गई थी इसी वजह से। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ, ये दोपहर का ही बर्तन था, कुछ कुछ मैं धो दी थी उसी टाइम और कुछ बचा हुआ था। तो बचा हुआ था मैं इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सुबह में दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से मैं अभी ही सब बर्तन को धो के रख देती हूँ, ताकि मुझे कल सुबह दिक्कत ना हो। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू।